वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो अपन ने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें अपन ने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था और अपनी फर्स्ट वीडियो थी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो आज अपन उसकी दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है अपना एक्यूट रूमेटिक फीवर। ठीक है, तो अपन इसे पहली वीडियो में देखा था कि एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन तो अपने वो किसी हेडिंग में लिखना है। अब मैं चलो तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसकी टॉपिक अपना क्या है, एक्यूट रूमेटिक फीवर। अब इसकी एग्जाम हेडिंग देख लो, अपने को अगर आ जाता है ये 5 नंबर में या 20 नंबर में तो किस किस हेडिंग में अपने को लिखना है। तो इसमें सबसे पहले अपने को लिखना है डेफिनेशन, उसके बाद एक कॉजेटिव एजेंट, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो अब इसकी डेफिनेशन देखो क्या है, एक्यूट रूमेटिक फीवर तो ये जो होता है मल्टी सिस्टम डिजीज है। इसमें मतलब कि एक ही सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए ये मल्टी सिस्टम डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होगा वो पहले से इन्फेक्टेड होगा अपना गेज बैक्टीरिया। गेज बैक्टीरिया मतलब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जिसको अपन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बोलते हैं। तो इसमें नहीं कि प्रीवियसली अफेक्टेड विथ गेज बैक्टीरिया जिसमें शोर थ्रोट या फिर फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। अब इसमें देखो कि जो जितने भी अपने को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह जितने भी आती है वो सारी मतलब ट्रीटमेंट लेने पे ठीक हो जाती है, लेकिन एक इसमें रहता है एक्सेप्शन, वो है अपना वेल्वुलर डैमेज, जिसमें अपन ने क्या कि अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हार्ट के जो भी वॉल्स वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें वॉल्स हार्ट की डैमेज हो जाती है जो कि नहीं होती है ट्रीटमेंट से ठीक। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई कि ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज है और इसमें क्या होता है कि प्रीवियसली अफेक्टेड विद द गेज बैक्टीरिया, और इसमें जो मैनिफेस्टेशन होगा उसमें सारे रिसोल्व हो जाएंगे ओनली वेल्वुलर डैमेज। तो ये इसकी अपन ने डेफिनेशन पूरी देख ली। इसको अपन ने अगर 2 नंबर में आता है और इतना लिखोगे तो भी अपने को फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, किसकी वजह से ये हो रहा है। तो इसमें जो पॉजिटिव एजेंट रहता है वो अपना गेज बैक्टीरिया रहता है, जिसमें अपना ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल, जिसको बोलते हैं अपन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। और ये जो मेनली करवाता है इन्फेक्शन वो स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन कराता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसकी अपन पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस अपन पहले इसको समझ लेते हैं कैसा होता है कि देखो पहले होता है जैसे कोई बच्चा वगैरह है जो 5 से 15 साल का है, उसको इन्फेक्शन होता है गेज बैक्टीरिया का। गेज बैक्टीरिया में वो सबसे पहले क्या करेगा, जो टॉन्सिल्स होते हैं अपने, ठीक है, वहां पे करेगा इन्फेक्शन। तो इसमें हो जाएगा अपना टॉन्सिलाइटिस बोलो या फिर फेरिंजाइटिस बोलो। ठीक है, अब ये होगा, फिर वहां से क्या होगा कि जो बैक्टीरिया है, जैसे तो बैक्टीरिया अपने बॉडी में आएगा तो वो ऐसा फॉरेन पार्टिकल काम करता है, तो उसके लिए अपने ब्लड में क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। अब जो ये एंटीजन होता है जो कि अपना एम प्रोटीन होता है मेनली, तो उसके जो मतलब अपनी बॉडी में एम प्रोटीन जो होता है वो और भी अलग अलग सिस्टम पे एज एंटीजन काम करता है। तो जो एंटीबॉडी बनी है वो बैक्टीरिया को तो मारेगी सही, लेकिन उस वो क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी अपनी बॉडी के अदर पार्ट के एंटीजन से। ठीक है, तो अब देखो इसको अपन देख लेते हैं क्या है। अब देखो चाइल्ड है 5 से 14 ईयर्स का या फिर ग्रेटर देन 30 ईयर भी हो सकता है। अब उसको हो गया गेज बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, ठीक है, जिसमें लिखा टॉन्सिलाइटिस सोर थ्रोट, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो चुका है। अब इसमें देखो कि ये है अपना नॉर्मल टॉन्सिल, लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसमें ऐसे व्हाइटिश स्पॉट्स दिखेंगे जिसको अपन फेरिंजाइटिस या फिर क्या बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, अब इसमें तुम्हें मेनली अगर तुम एग्जाम में लिखते हो पैथोजेनेसिस ही आता है तो तुम्हें ऐसे हेडिंग वाइज लिखना है और फ्लो चार्ट में लिखना है, पॉइंट जैसे पैराग्राफ नहीं बना के लिखना है। ठीक है, तो इसमें तुम ऐसे पहले हेडिंग डालना कि तुम लिखना ऑटो इम्यून थ्योरी। अब ऑटो इम्यून थ्योरी में तुम क्या बताओगे कि जो इन्फेक्शन हुआ है टॉन्सिलाइटिस हुआ है उसमें जो एंटीबॉडी बनी है किसके अगेंस्ट बनी है, अपने गेस बैक्टीरिया के एंटीजन जो है उसके अगेंस्ट बनी है। ठीक है, अब वो जो एंटीबॉडी होगी वो क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी अपनी ऑटो एंटीजन से। ऑटो एंटीजन मतलब अपनी खुद के बॉडी में जो प्रेजेंट है जो सिस्टम जिसपे ये मतलब कि एम प्रोटीन प्रेजेंट होगा उससे क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है, अब देखो तो ये कैसे कर रही है, बाय मीन ऑफ मिमिक्री, जो अपन बोलते हैं मोलिकुलर मिमिक्री, जिसमें एम प्रोटीन जो अपने अदर बॉडी पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये तो अपना ऑटो इम्यून की बात हो गई, अपनी खुद की बॉडी में जो रिएक्शन हो रही है कि ऑटो मतलब कि एंटीबॉडी जो बनी एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी और एंटीजन एंटीबॉडी जो भी अपना बनेगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें आता है साइटोटॉक्सिक थ्योरी। साइटोटॉक्सिक थ्योरी में क्या होता है कि जैसे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन करा रहे तो वो क्या अपने को टॉक्सिन एंजाइम वगैरह रिलीज करता है, तो जो अपना स्ट्रेप्टोकोकस है वो रिलीज करेगा अपना टॉक्सिन, जिसको अपन टॉक्सिन को बोलते हैं
स्ट्रेप्टोलाइसिन जो भी हो उसका टॉक्सिन, ठीक है। अब वो टॉक्सिन और एंजाइम जो भी रिलीज करता है वो अपनी बॉडी को डायरेक्ट क्या करेगा, अपनी बॉडी के लिए डायरेक्ट टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसकी ये वाली थ्योरी है कि साइटोटॉक्सिक थ्योरी, जिसमें अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाएगा मेनली कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, किसके साथ जाके, मतलब कि जो एंटीबॉडी है वो कौन से बॉडी पार्ट्स के एंटीजन से जाके रिएक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखोगे तो मेनली अपना कौन कौन सा होता है इसमें, अपना सबसे पहले एक हार्ट होता है जहां पे एम प्रोटीन जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है, एक अपना ज्वाइंट पे होगा, एक स्किन पे होगा, एक सीएनएस पे होगा और एक सबक्यूटेनियस होगा। ये पांच मेनली सिस्टम है, जिसे अपने डेफिनेशन में बोला था कि ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज है। तो अपने को इसमें दिख गया, एक तो हार्ट है, ज्वाइंट है, स्किन है, सीएनएस है और सबक्यूटेनियस है, ठीक है। तो इसकी अब देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या दिखाएगा। जो हार्ट है वो हार्ट के अंदर दिखा रहा है अपना रूमेटिक हार्ट डिजीज, एक तो क्वेश्चन इस पे भी बनता है और एक अपना नॉर्मल एक्यूट रूमेटिक फीवर पे भी बनता है। अगर तुमसे पूछते हैं रूमेटिक फीवर के बारे में लिखना है तो तुम्हें ये पांचों पॉइंट लिखना पड़ेगा, और ओनली वो रूमेटिक हार्ट डिजीज के बारे में पूछा है तो पूरा का पूरा अपने को इसके बारे में लिखना है, रूमेटिक फीवर के बारे में नहीं लिखना है, ठीक है। और इसके बारे में पेथो में पढ़ेंगे इसमें मेनली। अब देखो इसमें क्या है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, जिसमें अपन क्या दिखा रहे हैं, पेन कार्डाइटिस। पेन मतलब अपने को पता है, पेन मतलब कि क्या हो जाएगा, ओल्ड, ठीक है। तो जैसे कि अपना हार्ट में तीन वो क्या होती है, लेयर होती है, उसमें अपने क्या हो जाएगी, एक तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और लास्ट हो जाएगी अपनी पेरिकार्डियम, ठीक है। तो कार्डाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन हो रहा है, पेन कार्डाइटिस तो सारी लेयर्स का यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और इसमें मेनली क्या मिलेगा अपने को, एशकॉक बॉडीज मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो ज्वाइंट की बात करते हैं, तो अब ज्वाइंट्स में क्या कराता है, माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। माइग्रेटरी मतलब पता चल रहा है माइग्रेशन हो रहा है, पोली मतलब कि बहुत सारे, और आर्थराइटिस मतलब ज्वाइंट्स का इन्फ्लेमेशन। अब जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है वो कैसा होता है, एक तो हॉट होता है, स्वोलन होता है, और रेड और टेंडर मतलब टेंडरनेस आ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें देखो कि ये क्या हो रहा है कि अब इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ये सारे के सारे पॉइंट तो मिलेंगे ही सही। इसके बाद ये क्या करता है, मूव करता है फ्रॉम वन ज्वाइंट टू अनादर ज्वाइंट, इसीलिए इसका नाम लिखा है माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस। अब इसका जो मतलब मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं ज्वाइंट्स में कौन कौन से होते हैं, उसमें अपना होता है नीज, एंकल, हिप्स और एल्बो ज्वाइंट्स, ठीक है। तो इसमें अपना कौन कौन सा, एक सिस्टम हो गया अपना हार्ट का, दूसरा हो गया अपना ज्वाइंट का। अब तीसरा देखो स्किन, ठीक है। तो स्किन में ये क्या कर देता है, इराइथेमा मार्जिनेटम, इसमें मतलब कि ये होता है एक पिंक मैक्यूलर पेच होते हैं, रेशेज जो बॉडी पे हो जाते हैं। अब उसके बाद अपना स्किन हो गया, उसके बाद आता है अपना सीएनएस, ठीक है। तो इसमें अपना होता है सैंडेमहम स्कोलिया। अब ये क्या होता है देखो, इसमें होता है कि थोड़ा एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट डिसऑर्डर है, ये एबनॉर्मल बॉडी में हो रहा है, इनवॉलेंट्री मतलब कि अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर रही है, और मूवमेंट ये डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये मतलब मेनली अफेक्ट करती है किसको, अपने ब्रेन को, इसीलिए अपना सीएनएस वाला पार्ट आया इसमें। अब लास्ट बचा है अपना पांचवा पॉइंट सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में अपने बन रहे हैं नोड्यूल्स। अब ये जो नोड्यूल्स हैं वो स्मॉल होंगे, पेनलेस होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें अब इतना पूरा पैथोजेनेसिस अपन ने समझ लिया है, एक बार अपन डायग्राम से और देख लेते हैं। अब देखो इसमें कि ये इन्फेक्शन जो होता है वो किस वजह से हो रहा है, इसमें लिखा है कि पुअर हाउसिंग और ओवर क्राउडिंग, जहां पे भीड़ भड़का बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर माल न्यूट्रिशन मतलब कि खाना पीना अच्छे से नहीं कर रहे हैं, पुअर्टी वगैरह आ जाती है, तो इसकी वजह से जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो ये जो गैस बैक्टीरिया उसका इन्फेक्शन हो गया। उसका इन्फेक्शन सबसे पहले क्या होगा, अपना टोन्सिल जो होंगे वो यहाँ पे इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, फेरिंजाइटिस हो जाएगा, ठीक है, टोन्सिलाइटिस हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे ही हुआ एंटीबॉडी बनती है एंटीजन के अगेंस्ट, और वो क्या कर देगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो अब इसमें लिखा है कि लैक ऑफ एक्सेस टू केयर, मतलब अगर अपन ने केयर नहीं करी और अपन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मेरे जैसे टोन्सिल्स बड़े हो गए, अब वहां पे पेन होगा, स्वरण हो जाएगा, तो अपने को समझ आ जाता है। अब अगर तुमने केयर नहीं करी उसकी तो वो क्या कर लेगा, देखो एक तो लैक ऑफ एक्सेस टू केयर, ठीक है, केयर नहीं करी, और एक हो जाएगा अपना डिले डायग्नोसिस, मतलब कि वो डायग्नोस जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या बन जाएगा कि जो एंटीबॉडी बनी है बैक्टीरिया के अगेंस्ट, वो अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स पे जाके क्या करेगा, जो एम प्रोटीन है वहां पे जाके कॉम्प्लेक्स बना लेगी। तो इसकी वजह से क्या अपना क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन मोलिकुलर मिमिक्री। अब ये किसमें दिखाती है, अपने को दो थ्योरी लिखनी है, जिसमें अपना आता है ऑटो इम्यून थ्योरी। तो ये वाला पॉइंट, एक तो एक डायग्राम बना देना, जब क्वेश्चन आता है तो एक डायग्राम बना देना, और एक नॉर्मल अपनी फ्लो चार्ट में थ्योरी लिख देना, ठीक है।
उसके बाद देखो मोलिकुलर मिमिक्री हो गई। मोलिकुलर मिमिक्री के बाद देखो यहाँ पे और अगर डायग्नोसिस वगैरह डिले हो जाते हैं, ठीक है, और जेनेटिक कुछ ससेप्टिबिलिटी वगैरह कुछ भी आ जाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो क्रॉस रिएक्ट कर रही है अपनी एंटीबॉडी अपनी बॉडी पार्ट्स के एंटीजन के अगेंस्ट, वो कहाँ पे डिपॉजिट कर जाएगी। जैसे कि अपन ने यहाँ पे दिखा रखा हार्ट, तो इस हार्ट में अपन ने क्या देखा था, इसमें अपने करा रही थी एक्यूट रूमेटिक डिजीज। अब ये देखो एक्यूट रूमेटिक हार्ट डिजीज, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडी एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स बना है वो हार्ट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब हार्ट के ऊपर डिपॉजिट हो गया तो अपने जो हार्ट के अंदर जो वॉल्स वगैरह होती है, जो अपन ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस वगैरह में पढ़ा था कैसे इन्फेक्शन हो रहा था वहां पे, तो वहां पे क्या कर जाएगा, ये डिपॉजिट हो जाएगी एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स। अब ये डिपॉजिट हो गई तो वहां पे क्या बना लेगा, वेजिटेशन। अभी वेजिटेशन क्या होते हैं, वेजिटेशन कुछ नहीं होता, एबनॉर्मल आउटग्रोथ हो जाती है अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये है अपना एक तो हार्ट के अंदर, मतलब हार्ट के ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाती है तो एक तो वेजिटेशन आ जाएगा, दूसरा अपना क्या है यहाँ पे मायोकार्डियल स्पॉक बॉडीज जो अपन ने अभी देखा था, मायोकार्डियल मतलब कि जो मिडिल वाली जो लेयर होती है हार्ट की, उसमें अपने को स्पॉक बॉडीज मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है अपने फाइब्रस पेरिकार्डिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अपने को समझ में आ गया, एक बार और देख लो कैसे क्या होता है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, अपना गेज बैक्टीरिया है उसका सबसे पहले इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ओवर क्राउडिंग वगैरह हो जाएगी और पुअर्टी वगैरह माल न्यूट्रिशन जो भी होगा उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। अब ये इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले वो किसको जाके करेगा, अपना टोन्सिल वगैरह को करेगा इन्फेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा अपना टोन्सिलाइटिस या फिर फेरिंजाइटिस, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर डायग्नोसिस में लेट हो गया डिले हो गया अपन ने ध्यान नहीं दिया उस चीज पे, तो वहां पे जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट बन गई अपनी एंटीबॉडी ब्लड में। अब ये जो एंटीबॉडी होगी वो क्या करेगी, क्रॉस रिएक्ट करके जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी, इसको अपन बोलेंगे क्या, मोलिकुलर मिमिक्री। तो इतना लिख देने के बाद अपने को पहला पॉइंट डालना है ऑटो इम्यून थ्योरी, जिसमें तुम्हें लिखना है क्या कि जो एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट करी एंटीजन के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाएगी, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाके डिपॉजिट हो जाएगी। दूसरी थ्योरी में लिखना है तुम्हें क्या, साइटोटॉक्सिक थ्योरी। साइटोटॉक्सिक थ्योरी में तुम्हें ये लिखना है कि जो बैक्टीरिया है उसने टॉक्सिन्स और जो एंजाइम वगैरह रिलीज किए वो हमारे बॉडी के लिए डायरेक्ट टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। अब ये जो भी यहाँ पे जो मोलिकुलर मिमिक्री हो रही थी, वो मोलिकुलर मिमिक्री से जो भी एंटीबॉडी एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स बना है वो बॉडी के दूसरे दूसरे सिस्टम पे जाके क्या करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो पहला अपना क्या देखा था, हार्ट, तो हार्ट पे अपन ने जैसे यहाँ पे देख लिया पेरिकार्डिटिस हो रहा है, एस्पोक बॉडीज मिल रही है, वेजिटेशन हो रहे हैं, ये सब ठीक है। उसके बाद हार्ट के बाद अपना आ गया ज्वाइंट्स, ज्वाइंट्स में तुम बता सकते हो माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस हो जाता है। उसके बाद आ जाएगा अपना स्किन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अपना सीएनएस, और सीएनएस के बाद अपना जो आएगा पांचवा वो हो जाएगा सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। ये पांचों चीजें लिखनी है, तो इसके पूरे पैथोजेनेसिस में सिर्फ इतना ही पॉइंट लिखना है। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या देख लिया, ठीक है। अब सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी, डेफिनेशन में जैसे पूरा देख लिया मल्टी सिस्टम डिजीज होती है, पहले से ही गेज बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो चुका है और सारे के सारे जितने भी अपने मैनिफेस्टेशन आते हैं वो रिसोल्व हो जाएंगे एक्सेप्ट वेलुलर डैमेज, ये हो गया। उसके बाद अपने इसमें लिखा कि एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव एजेंट अपना गेज बैक्टीरिया होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। उसके बाद पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस अपन ने अभी पूरा का पूरा याद कर लिया, चाइल्ड है 5 से 15 साल का या फिर 30 ईयर्स से ज्यादा का, तो उसमें गेज इन्फेक्शन जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुका है, टोन्सिलाइटिस ये देख रहे हो, व्हाइटिस स्पॉट्स आ गए हैं। उसके बाद अपने को लिखना है ऑटोइम्यून थ्योरी, ऑटोइम्यून थ्योरी में जो एंटीजन होगा बैक्टीरिया का उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिएक्ट करेगी, क्रॉस रिएक्ट कर जाएगी और बाय द मीन ऑफ द मोलिकुलर मिमिक्री जो एम प्रोटीन होगा वो अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स पे जाके क्या करेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसमें लिखना है साइटोटॉक्सिक थ्योरी, तो साइटोटॉक्सिक थ्योरी में तुम्हें सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताने हैं कि कौन कौन से सिस्टम जो है इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसमें अपने को सबसे पहले हार्ट बताना है, ज्वाइंट बताना है, स्किन, सीएनएस, सबक्यूटेनियस। उसके बारे में जैसे कि हार्ट में वो रूमेटिक हार्ट डिजीज करा रहा है तो उसमें क्या क्या है, जैसे पेनकार्डिटिस कराता है उसमें क्या मिलता है, ये सब अपने को पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट्स में अपने को माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस करा रहा है तो उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना कि जैसे मूवमेंट होता है एक ज्वाइंट से दूसरा, उसमें कौन से ज्वाइंट अपने इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये सब लिखना है। उसके बाद अपना स्किन, तो स्किन में क्या करा रखा है,
इराइडेमा मार्जिनेटम, ये क्या होता है, पिंक मैक्यूलर पेज, ये सब लिखना है, सीएनएस भी लिखना है इसमें और सबक्यूटेनियस के बारे में लिख देना है। उसके बाद एक डायग्राम बनाना चाहो तो इसमें डायग्राम वगैरह बना देना। अब देखो अपने तीन पॉइंट हो गए हैं क्लियर। उसके बाद अपना आता है सबसे मेन डायग्नोसिस, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि ड्यू क्राइटेरिया वगैरह यूज करते हैं अपन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, तो अपने को जो एक्यूट रूमेटिक फीवर है उसमें जो क्राइटेरिया अपन यूज करेंगे डायग्नोसिस के लिए, तो वो हो जाएगा अपना जोन्स क्राइटेरिया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद कर लो, दोनों मतलब आ सकते हैं तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए चलो तो अपन डायग्नोसिस के पढ़ते हैं। इसमें है अपना जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है। अब जोन्स क्राइटेरिया में अपने कैसे है मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया, तो जो मेजर क्राइटेरिया है जो अपन ने पांच सिस्टम जो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए थे वो ही लिखना है। एक्यूट रूमेटिक एक्यूट हार्ट डिजीज लिखना है अपने को, एक तो रूमेटिक हार्ट डिजीज जो अपना मेनली कौन सा हो रहा था इसमें हार्ट में हो रहा था, एक है अपना आर्थराइटिस, आर्थराइटिस अपना जॉइंट्स में हो रहा था, साइनेम्स कोरिया जो अपना सीएनएस में हो रहा था, इराइडेमा मार्जिनेटम जो अपना स्किन में हो रहा था, सबक्यूटेनियस नोड्यूल सबक्यूटेनियस वाला जो हो रहा था। तो इसमें डायग्नोसिस में जो मेजर वाला है इसमें कोई याद करने की चीज नहीं है, जो अपन ने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के पांच सिस्टम जो पढ़े थे वही की वही लिखना है, ठीक है। और उसके बाद अगर जोन्स क्राइटेरिया की बात करें जैसे माइनर में, तो जो माइनर क्राइटेरिया होगा उसमें देखो पोली आर्थ्रेल्जिया मतलब क्या हो गया कि जॉइंट्स का पेन, पोली मतलब अब इसमें अपन ने आर्थराइटिस तो पढ़ा ही था, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अब इन्फ्लेमेशन का खुद ही एक कैरेक्टर होता है कि वहां पे पेन होता है, स्वेलन हॉट हो जाता है, ठीक है, तो पोली आर्थ्रेल्जिया हो जाएगा। इसमें फीवर होगा जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 38.5 डिग्री सेल्सियस, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37, ठीक है। अब इसमें जो अपना ईएसआर वगैरह होगा ये ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 60 mm पर आवर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीआरपी जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है अपना वो कितना बढ़ जाएगा ग्रेटर देन 3 mg/dL इंक्रीज होगा, ये मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा, और पीआर इंटरवल इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है जैसे अपन ने पढ़ा था हार्ट में कि पेनकार्डाइटिस हो जाता है, पेनकार्डाइटिस में कितनी तीनों की तीनों लेयर इन्वॉल्व हो जाएगी, तो उसमें जो मायोकार्डियम मतलब कि मायोकार्डियम है अपनी, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है ना उसकी मतलब की मैं लिख लेती हूँ कि जैसे मायोकार्डियल हो गया, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन मतलब कि इन्फ्लेमेशन जो होगा ना उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा जो कंडक्शन होते हैं अपने इम्पल्स के जो कंडक्शन होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, उस अफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो पीआर इंटरवल अपना होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें एक मैं याद करने की ट्रिक बता देती हूँ, जैसे रूमेटिक फीवर है तो उसमें अपन जो जोन्स क्राइटेरिया यूज करते हैं उसमें मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया को याद, तो जो मेजर क्राइटेरिया है उसके लिए निमोनिक है अपना केसेस, जो अपने केस आते हैं ना बहुत सारे केसेस, तो अब देखो इसमें केसेस में सी होता है कार्डाइटिस हो जाएगा, आर्थराइटिस हो जाएगा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो जाएंगे, इराइथेमा मार्जिनेटम हो जाएगा और साइनेमेंस कोरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांच पॉइंट अपने को जो मेजर क्राइटेरिया का यूज मतलब कि यूज या फिर कैसे याद रखना है उससे याद रखना अपने को केसेस, और उसके बाद जो माइनर क्राइटेरिया अपने हैं उसको याद रखना है अपने को कैसे फ्रेप। अब फ्रेप से देखो फीवर हो गया अपना, राइज्ड ईएसआर सीआरपी हो जाएगा, ए से अपना हो जाएगा आर्थ्रेल्जिया हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, और जो लास्ट पी है उससे हो जाएगा प्रीवियस रूमेटिक फीवर, ठीक है। अब अगर इसमें ठीक है ये देखते हैं, ये तो इसके निमोनिक हो गए, कैसे याद करना है तो मेजर के लिए अपने को क्या यूज करना है केसेस, और माइनर के लिए करना है अपने को फ्लेप, तो ये दोनों अपना डायग्नोसिस हो गया, ठीक है। अब इसमें जो अपना डेफिनेट जो डायग्नोसिस करना है उसके लिए अपने को कैसे करना चाहिए कि जो सबसे पहले इनिशियल एक्यूट रूमेटिक फीवर हो गया है, तो इनिशियल में अपन जो यूज करते हैं वो क्या होगा, या तो दो मेजर ले लेना है, अगर दो मेजर नहीं लेंगे तो एक मेजर प्लस दो माइनर लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके डायग्नोसिस के लिए। और रिकरेंट मतलब कि पहले से हो चुका उसके बाद हो रहा है, मतलब कि जैसे बोलते हैं पहले एक्टिवेट होके वो जैसे डीएक्टिवेट, तो वो डीएक्टिवेट से फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो रिकरेंट मतलब वो फिर से हो रहा है, ये तो अपना जो फर्स्ट टाइम हो रहा था इनिशियल वाला वो है, रिकरेंट वाला मतलब कि जो होने के बाद और हो रहा है, तो उसमें देखो या तो अपन दो मेजर से इनिशियल में लेते हैं वैसे ही दो मेजर ले सकते हैं, नहीं तो फिर इसमें एक मेजर दो माइनर, ये तो दोनों सेम है इनिशियल के साथ, लेकिन अगर एक मेजर अगर पूरे माइनर लेना है मेजर एक भी नहीं लेना है तो इसमें तीन माइनर तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। अब ये अपने कितने पॉइंट हो गए, चार पॉइंट हो गए, जिसमें सबसे पहले हो गए अपना डेफिनेशन
डेफिनेशन के बाद अपन ने देख लिया कॉजेटिव एजेंट के बाद अपन ने देख लिया पैथोजेनेसिस और उसके बाद देख लिया डायग्नोसिस। चार पॉइंट हो गए, अब अपन पांचवा पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। अगर हो जाता है एक्यूट रूमेटिक फीवर तो अपने को क्या ट्रीटमेंट देना है। तो ट्रीटमेंट में इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है पेनिसिलिन। ठीक है, अब बैक्टीरिया है अपना, गैस बैक्टीरिया है, तो इसमें अपने को कौन सा एंटीमाइक्रोबियल ड्रग तो देना ही पड़ेगा, और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो देते हैं वो अपन कौन सा है पेनिसिलिन। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है ये पेनिसिलिन, ये फार्मा में आपको सर पढ़ाएंगे। तो इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो होता है पेनिसिलिन, और अपन इसमें अमोक्सिसिलिन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ट्रीटमेंट हो गया, ट्रीटमेंट के बाद अपन देख लेते हैं कि इसका प्रिवेंशन क्या है, इसको कैसे और बचाया जा सकता है। तो इसमें अपने को जो प्राइमरी प्रिवेंशन रखना है उसमें सबसे पहले ये कि अपना अगर गैस बैक्टीरिया हो रहा है, अपन ने क्या पढ़ा था कि जैसे मॉलिक्यूलर मिमिक्री हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, डिलेड डायग्नोसिस की वजह से, मतलब कि अपन ने खुद ने केयर नहीं करी और वो डायग्नोसिस मतलब कि नहीं करवाया और उसको ऐसे ही लेके चलते रहे। तो जो अपने को इसमें प्रिवेंशन कैसे रखना है, तो प्रिवेंशन में अपने को सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही फेरिंजाइटिस या टॉन्सिलाइटिस होता है मतलब डॉक्टर के पास जाना है, उसका ट्रीटमेंट लेना है, तो वो डॉक्टर क्या करेगा अपने को पहले ही ट्रीट कर देगा गैस इन्फेक्शन का। तो अगर ये हो गया ट्रीटमेंट इसका, हो गया गैस इन्फेक्शन का, तो आगे मतलब कि रूमेटिक हार्ट डिजीज होगी नहीं, मतलब कि रूमेटिक फीवर वाली जो प्रॉब्लम होगी वो होगी नहीं। अब देखो सेकेंडरी जो अपने को प्रिवेंशन रखना है, मतलब कि इसमें जो अपन प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे सकते हैं, तो इसमें पेनिसिलिन बेंजाथीन दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें अपन पेनिसिलिन जी जैसे लिख रखा है कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए दे सकते हैं, मतलब कि अपन प्रिवेंशन में इसको यूज कर सकते हैं, और अपन इसमें एराइथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अपना ये पूरा का पूरा टॉपिक यहीं पे कवर हो गया है, और एक और बार देख लेते हैं क्या क्या देखा है, एक्यूट रूमेटिक फीवर। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन आ जाता है पांच नंबर में, वैसे मेनली तो पांच नंबर में ही आना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस बीस नंबर में आ जाता है तो वो हेडिंग के पूछेंगे अकॉर्डिंग। जैसे अगर उन्होंने पूछ लिया कि केस स्टडी दे दी, केस स्टडी में अगर दे दिया अपने को कि कौन सा बैक्टीरिया करवा रहा है, तो अपना जैसे गैस बैक्टीरिया करवाता है, तो गैस बैक्टीरिया में अपना ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस आ रहा है, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, तो अपने को इसके ऊपर भी आ सकता है पायोजेंस। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अपना पहला क्या पढ़ लिया अपन ने, सबसे पहले पढ़ी इसकी डेफिनेशन, मल्टी सिस्टम डिजीज होती है। दूसरा पढ़ लिया अपन ने पॉजिटिव एजेंट, इसमें अपना गैस बैक्टीरिया होता है। उसके बाद अपने को आती है पैथोजेनेसिस, तो पैथोजेनेसिस में जो होगा उसमें आपको लिखना है एक तो ऑटो इम्यून थ्योरी और एक अपने को साइटोटॉक्सिक थ्योरी लिखना है। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूलर मिमिक्री वगैरह भी लिखना है। कैचिंग पॉइंट्स लिखोगे तो टीचर अपने आप मार्क्स देके जाएगा। उसके बाद अपने को क्या लिखना है यहाँ पे, डायग्नोसिस जो सबसे मेन होता है, डायग्नोसिस वो लिखना है। उसके बाद लिखना है ट्रीटमेंट क्या देना है। वैसे तो अधिकतर मतलब कि माइक्रो में ट्रीटमेंट पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर पूरा एक टॉपिक आ रहा है और अपन ने ट्रीटमेंट लिखा तो और अपना इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा टीचर्स के सामने। ठीक है, ट्रीटमेंट और उसके बाद प्रिवेंशन लिखना है। तो अपने वीडियो यहीं पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट में बताना और अच्छे से कोशिश करेंगे समझाने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।